जय माता दी। नवरात्रि में माता के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा होती है, जाने पूजा विधि भोग व मंत्र। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। मां के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। यह नंदी नामक बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है, इसलिए इनको बिशोर, रूढ़ा और उमा नाम से भी जाना जाता है। माँ का यह स्वरूप बहुत ही प्यारा, सहज ही जैसे प्रसन्न होकर अपनी करुणा दया बरसा रही है, अभी वरदान दे देंगी, अभी आशीर्वाद दे रही है, ऐसा ध्यान करें। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, अतः प्रथम दिन विधिवत विधि विधान से शुभ मुहूर्त में पूजा करने का विधान है। मां दुर्गा की खोटसोपचार पूजा की जाती है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। नवरात्र के प्रथम दिन से 9 दिनों तक सुबह शाम कपूर अवश्य जलाएं, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। उसके कलश स्थापन के बाद कलश फिर हिलाए नहीं, वहीं स्थिर रहेगा। कलश अखंड ज्योत सब वैसे ही रहेगा 9 दिन तक। केवल पूजा आरती हवन प्रसाद ये सब करते रहें प्रसन्न होकर। देवी सती का पुनर्जन्म हुआ तो शैलपुत्री रूप में पर्वतराज हिमालय के यहाँ प्रकट हुई। मां शैलपुत्री श्वेत वस्त्र धारण किए श्वेत वृषभ वाहन पर सवार श्वेत हिमालय पर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को अभय प्रदान कर अभीष्ट फल प्रदान करती हैं। त्रिशूल पापियों के विनाश का प्रतीक एवं कमल पुष्प ज्ञान व शांति का प्रतीक है। मां शैलपुत्री का ध्यान एवं जपनीय मंत्र इस प्रकार है। वंदे वाचितुलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम विशारूढ़ाम भूलधराम शैलपुत्रीं यशस्विनीं पूडेन्दुनिभां गौरी मूलाधारिषिताम् प्रथम दुर्गा त्रिनेत्राम् पाटाम्बर परिधानाम् रत्नाकिरीटानामालंकार भूषिता प्रफुल्ल वदना पल्लवाधाराम् कांत पोलाम तुंग कुचाम कमनियाम लावण्याम स्नेमुखे छीड़ मध्याम नितंबनी। मंत्र ओम संग शैलपुत्री देव्यै नमः। मां शैलपुत्री को सफेद वस्त्र अति प्रिय है। नवरात्र के पहले दिन मां को सफेद वस्त्र और सफेद पुष्प और सफेद भोग प्रसाद स्वरूप अर्पित करना चाहिए। मां के प्रथम स्वरूप को जीवन स्थिरता व दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं को इनकी पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कलश स्थापना के साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भजन कीर्तन अखंड ज्योत व भावपूर्वक आरती करके मां को प्रसन्न किया जाता है। करुणामयी दयामयी मां अपने बालकों के भाव को ही ज्यादा महत्व देती हैं, इसलिए पूजा अर्चना भजन कीर्तन चालीसा पाठ आरती करते समय यही ध्यान करें। उनके चरणों में अनुराग हो, इतना विह्वल हो जाए कि माँ प्रसन्न होकर अपनी करुणा दया बरसा रही हैं, ऐसा कामना भी करें। हम तो बालक हैं, आपने जो बुद्धि भक्ति सामर्थ्य दिया है उसी से आपकी उपासना कर रहे हैं। अत्यंत दयनीय होकर यदि उपहार स्वरूप 2 बूंद आंसू भेंट कर पाए
तो विश्वास करें, सारे भोग एक तरफ और यह उपहार एक तरफ, सारे दुख दर्द शोक चिंता संकटों का नाश करते हुए समस्त खुशियों को प्रदान कर देंगी। अपने बालक को जैसे माँ अपने गोदी में लेके दुलार करता है, वैसे ही माँ करेंगी। बालक के साथ यदि माँ का आशीर्वाद है तो चारों दिशाओं में मंगल ही मंगल है। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी, कल्याण करें।